ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं जुट रही है। अब रहा सवाल कि ये टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच और वनडे T20 मैचेस में बहुत फर्क होता है, एक्साइटमेंट का फर्क होता है, थ्रिलिंग का फर्क होता है। अभी कुछ देर पहले 3 की संख्या में पूरी ग्राउंड का एक दौड़ भी और एक राउंड भी लगाते हुए दिखे खिलाड़ी, और आप देख सकते हैं समूह में वो जो ऑरेंज टी शर्ट वाले खिलाड़ी हैं वो अब अपने अपना अलग अलग छोटा छोटा जो अलग अलग गेम होता है विद इन क्रिकेट, कोई फुटबॉल से वार्म अप करता है, कोई छोटे बॉल से कैचिंग प्रैक्टिस करता है, कोई कैच की प्रैक्टिस एक्सक्लूसिवली करता है, कोई बॉडी स्ट्रेच करता है, वो सारी चीज़ें वार्म अप और नेट प्रैक्टिस का हिस्सा होती हैं। और अभी अभी शुभमन गिल ने आकर सर काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि कितनी सारी चीज़ों के बारे में आप सोचते रहते हो ना, जब आपका जब आप सोच रहे हो कि एक्सपेक्टेशंस है। और जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था एक्चुअली, जो लोग बाहर से बोल रहे थे मुझे उनका इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, बट जो खुद के लिए एक्सपेक्टेशंस आप रखते हो और जैसा आप खुद करना चाहते हो, तो उस लिहाज से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी मुझे अपने आप से। बट उस टाइम पे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है कि जब आपकी आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपकी दोबारा बैटिंग आती है, तो आप वो सब भूल के जैसे आप खेलते आए, सिर्फ बॉल जो अगली बॉल आप खेल रहे हो उसको दिमाग में रखते हो आप कैसे बैटिंग कर सकते हो। और जो भी बड़े प्लेयर हो वो उनमें और एक जो एवरेज प्लेयर है, यही अंतर रहता है कि आप जो पहले हो गया अच्छा हुआ बुरा उसको भूल के इस इनिंग में आप कैसे खेल सकते हो। वो जितना प्लेयर अच्छा करता है उतना मेरे हिसाब से उतना बड़ा प्लेयर बनता है। बिल्कुल, कोशिश तो हर मैच में यही रहती है एज अ बैट्समैन एज अ प्लेयर कि जिस भी मैच में अपॉर्चुनिटी मिले अपना पूरा अपनी तरफ से पूरा बेस्ट एफर्ट देना है। बाकी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे लास्ट मैच में जिस हिसाब से मैं रनआउट हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, और उसमें दूसरे मेरे साथ कुलदीप जो बैटिंग करते उनका भी कोई गलती नहीं, क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ होता है आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो चीज़ अनकंट्रोलेबल है, तो यू जस्ट हैव टू टेक इट ऑन और यू हैव टू मूव ऑन। सर एक्सपेक्टेशंस, यस यू डेफिनेटली हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ एंड यू नो व्हाट यू वांट टू डू इन दिस टीम। यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री, यू ऑब्वियसली वांट टू कंट्रीब्यूट एंड यू ऑब्वियसली वांट टू डू, यू वांट टू बी देयर फॉर द टीम एज मच एज पॉसिबल, बट आई डोंट थिंक दैट चेंज्ड माई माइंड सेट और एनीथिंग। आई स्टिल हैव द सेम एक्सपेक्टेशंस दैट आई हैड फ्रॉम माई सेल्फ। इट्स ऑल अबाउट यू बींग एबल टू फॉरगेट दैट एंड बींग एबल टू मूव ऑन फ्रॉम इट as quickly as possible and be ready for the next one. जी आई थिंक जिस हिसाब से यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया, तो जब इतने सीनियर प्लेयर आपके विराट भाई जैसे या बुमराह भाई जैसे टीम में नहीं होते हैं, तो जो भी यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलता है उनको भी ये बात पता होती है कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है और पता नहीं है कितने टाइम तक हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो सब अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं उसमें। सर 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 एक सेकंड।